नहीं बहुत ज्यादा है। दीदी अरे बेगी जी तुम्हारा नाम क्या है? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र क्या हो गया था? ये फायरिंग हो गई थी तो मैंने ऊपर फायरिंग करी, लाड़ा उला रहे थे तो इसका ये शादी में फायरिंग कर रहे थे उस दौरान इनको गोली लग गई। कौन से गांव में? गोपालपुरा गोपालपुरा। थाना कौन सा लगता है? थाना हमारे काली देवी लगता है। काली देवी लगता है, मतलब झाबुआ जिला लगता है। तो तुम इधर लेके आए हो? कब की घटना ये? सुबह आप भी की यार बस आई है जिंदा मतलब वहाँ पे कोई डॉक्टर ना कोई जिंदा ध्यान नहीं दिया सर। सदारपुर में? हाँ सदारपुर में किसी डॉक्टर ने नहीं देखा? नहीं उन्होंने वहाँ रेफर नहीं, वो एक तो हमारी दीदी बच जाती। अच्छा जैन साहब तो हमारी दीदी बच जाती। जैन साहब नहीं थे? नहीं थे, वो दूसरे भैया उनसे नहीं थे। उन्होंने एक सही पटन लगाई हटा दो यहाँ से आगे भेज दो इनको ही बोल दिया रेफर कर दिया। जैन साहब तिरला तक तो बोल रही थी। हाँ तिरला तक तो बोल रहे थे पानी मांगा सब। और सर गोली कांड वाला मामला आया है, क्या मामला है? हाँ ये मैंने केसेस देखा है। ये सरदारपुर में गए थे पहले गोली लगने के बाद, वहाँ से प्राइमरी उपचार के बाद इसको रेफर किया था धार के लिए। तो लेकिन मेरे द्वारा देखा गया तो ये करीब हिस्ट्री में ये बताया उन्होंने कि ये तिरला के आसपास इसकी रेस्पिरेशन रुक गया था, मतलब तिरला के आसपास ये सर्टिफाई हो गए थे, यहाँ तो मृत अवस्था में लाए गए थे। क्या कारण रहा सर गोली लगने का? ये महिला कहाँ की है? ये बताया हिस्ट्री में ये बताते कि किसी शादी में गए थे यहाँ पर, तो गोली ऊपर चलाई थी, किसी खंभे से टकरा के इनको रिटर्न गोली लगी है ऐसा मुझे बताया गया इन लोगों ने। क्या अब सर महिला का और कितनी उम्र है? महिला की 30 साल उम्र है और रजनी पिता अब सिंह नाम है उसका। या लाने के पहले ही? हाँ लाने के करीब 15-20 पहले ही मृत्यु हो चुकी थी उसकी। डॉक्टर गिरिराज बुर्रा भोज हॉस्पिटल। सर उमरपुर चौकी में हर्ष फायर के दौरान एक महिला की मौत हुई है, क्या घटना है और क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अभी प्रथम दृष्टया जो घटनाक्रम सामने आया है उसमें ये पता चला है कि चौकी उमरकोट के ग्राम उकाला में घटना घटित हुई। एक शादी समारोह में बारापोर से गोली चलना पता चला है, जिसमें जो है एक अपसिंह निनामा करके एक आरक्षक है जो दराजगढ़ थाना में पदस्थ हैं, वो उसके द्वारा चलाना बताया गया, उसकी पत्नी को गोली लगी है। प्रथम दृष्टया जो घटनाक्रम 9 बजे का था इसमें गोली लगने के बाद में सरदारपुर प्राथमिक चिकित्सा के लिए लेके गए थे, वहाँ से वो उसको धार लेके गए थे। अभी वर्तमान में जो घटनाक्रम पता चला उसमें जो रजनी को गोली लगी थी उसकी मृत्यु होना ज्ञात हुआ है। थाना प्रभारी काली देवी घटनास्थल पर मौजूद हैं, इसमें जो भी बातें सामने आएगी उसके आधार पर इसमें निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी हो पाई है सर? अभी तो गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, पूरा घटनाक्रम पता चला है, संज्ञान में आया है, अब उसमें कार्रवाई करके जल्दी गिरफ्तार करेंगे। धन्यवाद सर।